हेलो दोस्तों, आई एम लकी मैन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, आज की वीडियो आपको बताने वाला मैं यहाँ पे पजुआ इंडिया को लेके, यहाँ पे फिर से हमारे पास एक अपडेट आया जो कि आपके लिए काफी अच्छा होगा। तो क्यों ना वीडियो शुरू करने से पहले, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो कि ना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपको वीडियो में कुछ भी अच्छा लगे या फिर कुछ भी हेल्पफुल लगे तो वीडियो को यहाँ पे जरूर लाइक करके जाया करो। तो दोस्तों, यहाँ पे अपना कल मैंने आपको एक न्यूज़ दी थी जो कि यहाँ पे जिसमें जो क्राफ्टन था वो काफ़ी यहाँ पे निराश हो चुका था, काफ़ी फ्रस्ट्रेट हो चुका था हमारी गवर्नमेंट की वजह से। वो जो गेम है वो इंडिया में ला नहीं पा रहा था। लेकिन उसके बाद दोस्तों, यहाँ पे कल हमारे पास जो आप कह सकते हो फिर से यहाँ पे एक अच्छी न्यूज़ आई है गेम को लेकर, जो तो यहाँ पे इंडियन यहाँ पे गेमिंग कॉन्फ्रेंस 2021 है, जो कि मेरे ख्याल से फर्स्ट टाइम मेरे ख्याल से इंडिया में ऐसी कोई कॉन्फ्रेंस हो रही है जिसमें आप देख सकते हो पहली बार मैंने तो इसका नेम सुना है। आपने अगर इसका नेम पहले सुना है तो बताना कमेंट सेक्शन में। लेकिन यहाँ पे जो कॉन्फ्रेंस है वो यहाँ पे 1 मार्च से लेकर यहाँ पे अपना कह सकते हो 12th या फिर 13th मार्च तक चलेगी है। तो इसमें काफ़ी बड़े बड़े जो हमारे पास गेमिंग एक्सपर्ट्स या फिर गेमिंग जो पब्लिशर्स हैं, उसके बाद ग्लोबली यहाँ पे लेवल पे जो सारे इसमें मेरे ख्याल से पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो ऐसा यहाँ पे पहले 1 मार्च और 2 मार्च को तो कुछ ज़्यादा नहीं था, लेकिन 3 मार्च को हमारे यहाँ दोस्तों मतलब की बात थी। यहाँ पे आप देख सकते हो 3 मार्च को हमें देखने को मिलते हैं इसमें यहाँ पे अपना सीएन ह्यूनल सोन। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो क्राफ्टन के कम्युनिटी मैनेजर है, तो उसका यहाँ पे मेरे ख्याल से कोई, ये आप देख सकते हो मेरे ख्याल से नॉर्डविन का कोई मेंबर है या फिर उसके पता नहीं ऑनर है। तो उन्होंने यहाँ पे इनका इंटरव्यू लिया था इस गेमिंग ईस्पोर्ट कॉन्फ्रेंस में। तो इस इंटरव्यू में दोस्तों यहाँ पे काफी अच्छी बातें निकल के आई है जो कि यहाँ पे पबजी वाला इंडिया वर्जन को लेके है। तो सबसे पहले तो आप एक छोटा सा इंटरव्यू आप इसको देख सकते हो, फिर हम बात करेंगे आखिरकार इस इंटरव्यू का क्या मतलब है और कितना अच्छा यहाँ पे साबित हो सकता है पबजी वाला इंडिया के लिए और ये जो कॉन्फ्रेंस एग्जैक्ट चल रही है। तो देख सकते हो इस इंटरव्यू को। We've been talking to Sean from Krafton, and before I open it to this, Sean, I have to ask you this one question. I think you were expecting it, which is there. Will we get our favorite game, India's favorite game, back? What's happening? Yeah, I mean, we don't really have, like, you know, my answer. Like, I cannot really tell, like, timing or anything. That's fine. Because we don't know yet. But what I can tell you that is we care about Indian market greatly, and also that's why I get to know you and get to know a lot of friends in Indian gaming industry now. So definitely, I think we will work hard to make it happen. So I mean that's the best someone can ask for, right? And that's just, I think that's what I'm taking away from this. There is intent. Yeah. There is a desire to go ahead and make this happen. Rest, yep. We have to sometimes leave it to the other people to go ahead and also go ahead and make it happen in some way or form. Yep. No, I appreciate that. I really appreciate that. And I personally, as an Indian, I appreciate you going and looking at this opportunity, which is there. I think there are great things to be done. दोस्तों, यहाँ पे एक छोटा सा इंटरव्यू था और बाकी दोस्तों यहाँ पे हमें जो एक क्वेश्चन का आंसर चाहिए था वो मेरे ख्याल से यहाँ पे जो अपने जो है क्राफ्टन के कॉर्पोरेट डेवलपमेंट के हेड हैं, तो इन्होंने काफी आसानी से बता दिया। आप देख सकते हैं इन्होंने जो हमारा यहाँ पे जो नॉर्डविन के ओनर है, तो उन्होंने क्वेश्चन पूछा था कि यहाँ पे जो पबजी मोबाइल इंडिया की क्या रिलीज हो सकती है, कब इंडिया को उसका जो फेवरेट गेम है वापस मिल सकता है। तो यहाँ पे काफी एक मेरे ख्याल से प्रोफेशनल सा रिप्लाई यही था इनका, यहाँ पे जो ये अब इनको ये टाइम नहीं पता कि कब रिलीज होगा, लेकिन ये काफी मेहनत कर रहे हैं पबजी मोबाइल को इंडिया में रिलीज करने के लिए। और उसके साथ साथ यहाँ पे आप कहते हैं कि इनको केयर इंडियन मार्केट्स की, इनको भी पता है कि यहाँ पे इनको काफी सारे प्लेयर्स हैं वो मिलते हैं, तो इनको भी केयर है कि यहाँ पे जो गेम है वो पक्का चाहते हैं यहाँ पे रिलीज हो। तो काफी अपना हार्डवर्क कर रहे हैं और ये चाहेंगे कि यहाँ पे ये हो ऐसा। तो काफी जल्दी दोस्तों यहाँ पे अब जो इस हिसाब से देखें तो इनकी भी इंटेंशन है, बाकी पता नहीं गवर्नमेंट मेरे ख्याल से इनको परमिशन नहीं दे रही है रिलीज करने के लिए। तो यहाँ पे ये कुछ कहना है यहाँ पे अपना सीन सोन का इस इंटरव्यू में। बाकी दोस्तों यहाँ पे एक आयरनिक बात इस इंटरव्यू की, यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे जो ये पूरी कॉन्फ्रेंस चल रही है तो उसको यहाँ पे सपोर्ट किया जा रहा है मिनिस्ट्री ऑफ यहाँ पे हमारी इलेक्ट्रॉनिक्स और जो आईटी है, उसके बाद यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ यहाँ पे अपना इन्फॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, और लास्ट में आती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो ये तीनों इन्होंने इसे सपोर्ट कर रहे हैं, बल्कि यहाँ पे इन तीनों ने यहाँ पे जो मिलकर यहाँ पे अपना जो हमारी मेन यहाँ पे गेम है पबजी मोबाइल, उसको इंडिया की मेन गेम थी, उसको बैन किया। तो काफी एक अजीब सी बात है, यहाँ पे तीनों की तीनों यहाँ पे अपनी जो चीजें हैं यहाँ पे लोग हैं तो इनको ये सपोर्ट कर रहे हैं इस इंडियन गेमिंग कॉन्फ्रेंस को। इन्होंने पता नहीं पास में गेम बैन करके पता नहीं क्या सपोर्ट करके बता रहे हैं, लेकिन अब ये यहाँ पे है जो आपको जो कॉन्फ्रेंस में बताया है अपना सीन होलिन सोन ने। बाकी अगर यहाँ पे मे भी हो सकता है अगर यहाँ पे आनल डेज में अभी 12 तक चल रही है तो कुछ और क्या पता, अगर दोबारा से कोई और क्राफ्टन का या फिर कुछ पबजी वाली इंडिया से रिलेटेड बात होती है तो आपको मैं पक्का बताने वाला हूँ। और बाकी दोस्तों यहाँ पे एक जो परसों मैंने आपको न्यूज दी थी, परसों नहीं कल सॉरी, यहाँ पे जो एक न्यूज दी थी कि यहाँ पे जो क्राफ्टन है वो काफी निराश हो चुका है, तो उसी के ऊपर यहाँ पे क्राफ्टन के क्राफ्टन की हेड की तरफ से जो चेयरमैन था उसका एक यहाँ पे रिप्लाई आया।
तो उसको देख सकते हो, उसने यहाँ पे कहा है कि वी आर अवेटिंग फॉर इंडियन गवर्नमेंट कंसिडरेशन एंड द डिसीजन ऑन अवर नेक्स्ट प्लान विद द पबजी इन योर रीजन। तो मतलब ये दोस्तों यहाँ पे मेरे ख्याल से जो क्राफ्टन का जो जो हेड था, चेयरमैन था, तो उसने मेरे ख्याल से जो अपने जो इंटरव्यू दिया था, तो मे भी उसको यहाँ पे कुछ गलत ले लिया था काफी लोगों ने मेरे ख्याल से, और वैसे ही मुझे भी लगा था। लेकिन स्टिल अब यहाँ पे क्राफ्टन ने ऑफिशियली कंफर्म कर दिया कि जो इंटेंशन थी उस इंटरव्यू की या फिर जो भी बातें कहना चाहते थे क्राफ्टन के चेयरमैन, वो वैसा नहीं था। उनका मतलब था कि यहाँ पे जो क्राफ्टन है वो यहाँ पे अपना जो इंडियन गवर्नमेंट के डिसीजन का वेट कर रहा है उनके जो नेक्स्ट प्लान के मुताबिक, उन्होंने मेरे ख्याल से अपना जो प्लान है वो चेंज कर दिया, और मे भी हो सकता है जो प्लान उनका कुछ अलग ही हो इस बार, क्या पता जो हमारी गवर्नमेंट है वो कह रही है वॉलंटियर एडिक्टिव है, तो मे भी हो सकता है उन्होंने यहाँ पे जो गेम से ब्लड रिमूव कर दिया, अपने जो हीट इफेक्ट्स डाल दियो, और बाकी जैसे आप गेम फिर पीस में देखने को मिलता है वैसी हो सकता है स्मॉल आइलैंड में आपको कुछ इंडियन यहाँ पे एयरक्राफ्ट देखने को मिल जाए, तो कुछ वैसा हो सकता है उन्होंने अपना चेंज कर दिया, या फिर कुछ और भी हो सकता है बिल्कुल ही अलग सा प्लान हो जो। लेकिन इनका साफ कहना है कि यहाँ पे हमने जो प्लान है हमने वो चेंज कर दिया है, कुछ अलग तरीके से हम गेम को ला रहे हैं, और अब डिसीजन जो है वो इंडियन गवर्नमेंट के हाथ में है, अब उनका ही वेट कर रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ पे ये कुछ अपडेट्स थे जो कि आज के उन्हें आपको बताने थे पबजी मोबाइल इंडिया को लेके। तो यही था आज की वीडियो के लिए, वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, तब तक के लिए गुड बाय।